थैंक यू बॉश इंडिया। ये है हमारा बॉश कंपनी का X34। ये पूरा कंप्लीट सेट है बिट्स का। बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे देंगे पावर टूल एक्सपर्ट श्री सार्थक भैया। इसके अंदर हम देखते हैं ये बिटसेट कितना सुंदर बनाया कंपनी ने कि हर बंदे के पास ये रख पाए वो। ये डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए है एंड प्रोफेशनल भी हम रख सकते हैं इसको फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर। इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला दीवार में सुराख करती है बिट्स, ये वाली लोहे में, ये वाली लकड़ी में। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि ये वाली दीवार में क्यों करती हैं। बेसिकली दीवार वाली बिट के अंदर अगर आपने फ़र्क देखना है तो आपको बताएगा इसमें कार्बाइड टिप लगी होती है, इसको बोलते हैं कार्बाइड टिप। ये जिस जिस बिट में लगी होगी उससे आप दीवार में सुराख कर पाओगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं आपकी लोहे वाली बिट, इसके अंदर ऐसे ट्रायंगल बना होगा। ऐसे इस ट्रायंगल से क्या होता है, आप जब काम करोगे इसका धार भी खत्म हो जाता है, बाद में इसको धार तेज कर सकते हैं हम। इसके बाद अगर हम देखते हैं ये लकड़ी वाली बिट्स है, इसके अंदर ये वाली इसमें देखो चोंच सी निकली होती है, ये पहले सुराख करते हैं उसके बाद बाकी बिट जाती है सुराख करने के लिए। तो ये वाली होती है लकड़ी वाली बिट, जिसमें चोंच निकली होगी वो लकड़ी वाली बिट होती है। अब बात करते हैं अगर हम इससे भी लकड़ी में सुराख कर सकते हैं, लेकिन इससे लोहे में सुराख नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें चोंच निकली है इसलिए, लेकिन इस वाली से क्योंकि इसमें ऐसी चोंच निकली होती है इसलिए लोहे में काम ही नहीं कर पाती है ये। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सॉकेट सेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 7, 8, 10 नंबर ही है इसलिए कंपनी ने ये दिए हैं। ये आपका 7, 8, 10 नंबर के नट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इसलिए कंपनी ने ये दिए हुए हैं। या आप हेक्सागोनल नट्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इनको, ठीक है ना। और पहले ये लगेगा उसके बाद आपके ये नट्स लगेंगे, अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रूड्राइवर बिट्स भी मिलती हैं अलग से, ये भी तरह की स्क्रूड्राइवर बिट्स हैं और यहाँ पे भी हैं। ये बेसिकली हर तरह की स्क्रूड्राइवर बिट्स हैं आपका बेस। अगर आपको जैसे मान लो ये वाली बिट चाहिए या ये वाली बिट चाहिए, अलग से लेने जाएंगे ज़िंदगी लग जाएगी, अलग से नहीं मिलने वाली, सीधा एक सेट लेना पड़ता है तभी आपको ऐसी अलग अलग तरह की बिट्स मिलती हैं। उनका यूज़ की बात करें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सबसे PS2 बिट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी बिट्स का क्या होता है, जैसे आजकल चाइनीज टॉयज वगैरह आते हैं वहाँ पे अगर हमें नट्स वगैरह खोलने पड़ते हैं तो कंपनी ऐसे अलग अलग तरह की बिट्स लगा के देती हैं। इसमें देखेंगे हम 6 मुंह वाली बिट्स हैं अलग अलग साइज़ की, उसमें अंदर फ्लैट वाली जो होगी मोटी पतली भी आ गई यहाँ पे। इसके अंदर हमारे 4 मुंह वाली बोलते हैं एंड इसमें भी अलग अलग तरह की हमारी बिट्स आ जाती हैं, ये अलग से नहीं मिलती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये हमारा टूल होल्डर आ गया और यहाँ पे काउंटर सिंक आ गया। काउंटर सिंक का क्या काम होता है, अगर मान लो हम इसको लकड़ी में ड्रिल मशीन पे लगा के हम ऐसे सुराख करते हैं और ऐसे चलते हैं, लकड़ी को हम वी शेप में घुमा सा पाएंगे। अगर हमें मान लो लकड़ी को खड़ा करना है ऐसे में, तो हम पहले इसमें ऐसे वी बनाएंगे जिससे आपका लकड़ी के अंदर ऐसे वी बन जाएगा, उसके बाद लकड़ी को हम फोल्ड करके ऐसे खड़ा कर पाएंगे। इसका ये काम होता है जो हम ड्रिल मशीन से ही कर सकते हैं। अब मैं आपको ये मशीन के अंदर लगा के दिखाता हूँ। हमारे पास ये एक मशीन है मॉडल नंबर GSB 450। ये वैसे ऐसे ड्रिल चक वाले किसी भी मशीन में लग जाएगा ये बिट, हम इसमें लगाते हैं। आपका ये वाला चीज़ लगाएंगे हम ऐसे, आगे दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे ऐसे लगाई, इसके बाद हम उसको यहाँ से टाइट करेंगे। ये बेसिकली टाइट हो गया एंड हम उसके बाद ड्रिल चाबी से टाइट और कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे, अगर हमें नट लगाने हैं मान लो, पहले लगेगा एडाप्टर। एडाप्टर ने हमने यहाँ पे लगाया, ये मैग्नेट वाला है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ से निकल नहीं सकता किसी भी तरह से ये, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट है ये, और यहाँ से इसको इसने टाइट कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, ये बेयरिंग लगा हुआ है इसीलिए इजीली चला जाएगा ये। यहाँ पे 4 मुंह वाला है, ये भी 4 मुंह वाला है, तो हमें इससे याद रहेगा। ये ऐसे अंदर डाला और लग गया। अगर हम बात करते हैं ऐसे तो ये देखो कहीं नहीं निकलेगा, कहीं आपका काम करते हो एकदम बढ़िया प्रिसिशन आने वाला। मैं आपको ये स्क्रू ड्राइवर वाली बिट लगा के दिखाता हूँ। इसके अंदर देखेंगे हम इसको ऐसे निकाला एंड यहाँ पे हम लगा देंगे। इसके अंदर मैग्नेट है इसलिए कहीं नहीं निकलने वाला अगेन ये, एंड आप इससे काम कर सकते हो। अब अगर हम इसके अंदर ड्रिल बिट लगाते हैं तो मैंने अपनी और भी वीडियोस में दिखाया है, स्टिल फिर भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये ड्रिल बिट कोई भी अगर हम लगाते हैं तो इसके अंदर हम बस इसको ऐसे निकालेंगे और इसके अंदर लगा देंगे और टाइट कर देंगे। अपने ड्रिल बिट टाइट हो गया, अब हम काम करने के लिए रेडी हैं। बॉश X34 की मैं कुछ आपको खासियत बताता हूँ जो लोगों को नहीं पता। ये देखिए कितना सुंदर ब्रीफ केस बॉश कंपनी ने आपके लिए तैयार किया है। और ये टक वाला सिस्टम है, जैसे ब्रीफ केस का होता है, इसको खोलने पे ही ये खुलेगा। ये देखिए कितना शानदार, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये वाली बिट्स लकड़ी वाली, ये दीवार में सुराख करने वाली है, ये पूरी जितनी बिट्स हैं ये बहुत सॉलिड मेटल की बनी हुई है। बहुत से लोग ना इसको ऐसे निकालते हैं ऊपर से, असल में इसका जो लॉकिंग सिस्टम होता है कि ये मिसप्लेस ना हो और कहीं पे रास्ते में गिरे नहीं, तो इसको निकालने का तरीका होता है कि आप इसको उल्टा निकालें।
इसको हमेशा नीचे से निकालते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं इसको ना ऊपर से निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए ऊपर कोशिश करते रहोगे निकलेगी नहीं, लोग जबरदस्ती करेंगे तो अंदर से खराब हो जाएगा। जबकि इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको हमेशा आपको नीचे से निकालना है कोई भी प्रोडक्ट हो। अब इसको मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीज, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, आपको इसकी साफ सफाई का, इसका मेटल देखो कितना सुपर सॉलिड है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, ये कहीं सालों साल कहीं जाने नहीं वाली। इसके स्क्रू ड्राइवर की अगर आप बात करते हो, ये इसके स्क्रू ड्राइवर की बिट्स हैं, ये रबड़ के अंदर होता है सारा, कि ये भी कभी खराब ना हो। इसको भी आप पीछे से ही निकालोगे, इसमें सब पे आपको मार्क दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, इसके ये मॉडल नंबर लिखे हुए हैं कुछ, जैसे S7T15, ये इस नाम से फेमस है। आप इसमें जो सुराख होते हैं या मुंह बने होते हैं, इसको सर्च करने के लिए बहुत इजी रहता है लोगों को। सुपर सॉलिड क्वालिटी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी, अच्छी फिनिशिंग के साथ ये प्रोडक्ट दिया कंपनी ने। साथ में इसका ये जो ब्रीफ केस है, ये भी बहुत शानदार दिया कंपनी ने, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये पीछे से इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं और कैसे आते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको बॉश के साथ नए प्रोडक्ट में। थैंक यू बॉश इंडिया।